चलिए ठीक है, विनोद बंसल जी प्रियदर्शनी जी कह रही है कि उनकी भावना तो आहत नहीं हुई है, उन्हें इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जो किसी धर्म की भावनाओं को या उससे जुड़े लोगों की भावनाओं को आहत करे। लेकिन संत समाज में गुस्सा है, बीजेपी में भी गुस्सा है, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए समर्थक हैं, आस्था से जुड़े समर्थक हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि गलत हुआ है एक मंच, उसे गलत तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, भगवान शिव का अपमान किया गया। देखिए मेरा कहना यह है कि प्रदर्शनी जी को भी समझना चाहिए और सैफ अली खान को भी समझना चाहिए कि जब फ्रांस में कार्टून बना था, वो कार्टून एक काल्पनिक व्यक्ति का था जिसको कि न तो सैफ अली खान ने देखा, न मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने देखा, न इस्लाम में उसको कहीं परिभाषित किया गया, उसको लेकर के लोगों का गला काट दिया गया। और इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन जो चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस्लाम को बचाना है, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं कि क्या जिस तरह का पिक्चराइजेशन भगवान शंकर का उस वेब सीरीज में हुआ है, उस भगवान शंकर की जगह अगर पैगंबर मोहम्मद होते तो प्रियदर्शनी जी क्या आपकी अभिव्यक्ति की आजादी काम करती? सिर्फ इतना सा जवाब दे दीजिए मेरे को। और क्या ऐसा कोई वेब सीरीज आज तक आपने या आपके किसी मित्र ने या फिल्म इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति ने कोई बनाने का कोई दुस्साहस किया है क्या? क्या आपको नहीं लगता पैगंबर मोहम्मद कैसे थे?